Bunyinaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। फिजी मेट्रोलॉजिकल ऑफिस का कहना है कि आज रात से मौसम में बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन यासा देश की नजदीक आ रही है। कैटेगरी 5 सिस्टम आज दिन में यसावाई रारा के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में 440 किलोमीटर और नांदी के नॉर्थ वेस्ट में 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। अगर सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन यासा इसी मार्ग पर रहा तो कल सुबह 3 बजे तक वो यसावाई रारा के नॉर्थ वेस्ट में 280 किलोमीटर, नांदी के नॉर्थ वेस्ट में 360 किलोमीटर तथा रोटुमा के साउथ साउथ वेस्ट में 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रहेगी। सिस्टम धीरे धीरे देश की ओर बढ़ रही है। एक्टिंग डायरेक्टर तेरिया तलीफो का कहना है कि गंभीर बारिश होगी जिस वजह से बाढ़ चढ़ सकती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन यासा का असर 600,000 से भी ज्यादा या फिर 66% फिजियन पॉपुलेशन पर पड़ेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस की डायरेक्टर वासिती सोको का कहना है कि ये असेसमेंट कल रात किया गया है, हालांकि करंट एनालिसिस किया जा रहा है। सोको का कहना है कि देश पर करीब मौसम का असर पड़ेगा तथा साइक्लोन के दौरान तेज हवाएं चलेंगी जिससे बिल्डिंग्स और पेड़ गिर सकते हैं। टीसी यासा फिलहाल कैटेगरी 5 सिस्टम है। सोको का कहना है कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न डिविजन्स में सभी इवैकुएशन सेंटर्स खुले हैं। सेंट्रल डिवीजन में कुछ इवैकुएशन सेंटर्स खुल चुके हैं, हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री को अभी भी अन्य को स्वीकृति देना बाकी है। पुलिस फोर्स आज रीग्रुप हुई है ताकि वे ट्रॉपिकल साइक्लोन यासा इमरजेंसी ऑपरेशन को एक्टिवेट कर सके। चीफ ऑपरेशन ऑफिसर ACP अब्दुल खान का कहना है कि कई सौ की संख्या में ऑफिसर स्टैंड बाय पर है तथा साइक्लोन रेस्पॉन्स एफर्ट्स के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध है। ACP खान का कहना है कि इन रिसोर्सेज में बॉडी कैम्स, डाइविंग गियर्स, पुलिस व्हीकल्स और मैन पावर शामिल है। COVID-19 कर्फ्यू रेस्ट्रिक्शन अभी भी है, लागू है, जबकि चीफ ऑफ ऑपरेशंस का कहना है कि चेक पॉइंट्स जहां जरूरी है वहां लगाई जाएगी। ACP खान ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे मौके का फायदा उठाने की कोशिश न करें। और खेलकूद के खबरों में फिजी रग्बी यूनियन रग्बी फैन से मांग कर रही है कि वे नेशनल सेवन्स टीम को 2021 टोक्यो ओलंपिक गेम्स की तैयारियों के तहत अपना समर्थन दे। FRU ने इसी हफ्ते पहले नेशनल सेवन्स टीम कैलेंडर के सेल के साथ एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इससे जो पैसे इकट्ठा किया जाएगा उन्हें सेवन्स टीम के तैयारियों और ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Oyera na mwana na nonda inu inu ena bisi ni mataka. Merci sunga da kana roma dina kilo mikron. Sakena na una mitar robi na nonda bangsa ngai ka bala lo mataka na mwani. Dalamina oya wa meliki. Bulre oya wa Samuel Samuel. Nama kiki rau ena bi mataka. Oni ti kina mrombuka. Ni wa tini kali mana mini ti meona kina tini na kaloko. Ena radio Fiji 1 na ndomo ibiti. Ina pina na mataka. Dan ramaina singa bo.